हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो बनाने वाले हैं और बताने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे सब्सक्राइबर, मैं 4-5 गांव रेगुलर जाता हूं, 5-10 गांव, वहां बहुत टाइप के बेरोजगार युवक मिलते हैं। बहुत ढंग का बात होता है, हर एक टाइप का बात होता है रोजगार के तहत। तो उन्होंने कहा कि यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, मैं कल फिर वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पर बने रहे, आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपना चैनल पे वीडियो बनाऊंगा, एक बहुत अच्छा कंटेंट इसी पे मैं बनाता हूँ, आप सब आके मेरे चैनल पे देखें। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, आप बनाइए, मैं बिल्कुल देखूंगा। तो फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किए कि यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको देना चाहिए। तो मैं तो एक ही शब्द में कहना चाहूँगा कि कंटेंट इज किंग। और ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा कि कंटेंट सबसे बड़ी किंग होती है। तो इस चीज़ को आप दिमाग में लेके चलें। आपके पास माइक घिसा पिटा हुआ है, मोबाइल नॉर्मल है, चलेगा, रहने का घर नहीं है वो भी चलेगा, आप खेत में भी जाके बना लेंगे, किसी वृक्ष के पास में बैठ के बना लेंगे, रोड के बगल में भी बना लेंगे, किसी दूसरे के घर का सहारा लेके बना लेंगे, आप सीढ़ी पे मनोज दे के जैसा सीढ़ी पे जाके आप वीडियो शूट कर लेंगे। फ्रेंड्स, जो मनोज दे ऐसे करके वीडियो शूट करता था सीढ़ी पे, आप वो सब कर सकते हैं, कहीं भी, वो सब मैटर नहीं करता है। लेकिन जो मैंने कहा, कंटेंट इज किंग। अगर राजा है तो सिर्फ कंटेंट है। आपके अंदर वो कंटेंट की काबिलियत है जो आप अपने ऑडियंस को अपने ओर खींच सकें, तो आप जीत सकते हैं फ्रेंड्स। आप अवश्य आगे बढ़ सकते हैं, आप अवश्य कामयाब हो सकते हैं। तो बस मेरा तो एक ही डायरेक्शन है और एक ही एडवाइस है कि कंटेंट इज किंग। सो जितना फोकस आपको देना है सब कंटेंट पे दीजिए, ना कि ये कि मैं कैसा लगता हूँ देखने में, मेरा हेयर स्टाइल क्या है, मेरा कपड़ा क्या है, मेरा माइक क्या है, मेरा मोबाइल क्या है, मेरा ट्राइपॉड क्या है, या फिर मेरा चेयर क्या है, या मेरा रूम क्या है, ये सब बिल्कुल मायने नहीं रखता है। मेरे पीछे में पर्दा दिख रहा है आपको, लेकिन ये सब मैटर नहीं करता है। वीडियो कहीं भी बनाएं, थोड़ा सा लाइट होनी चाहिए और कुछ नहीं, बस आपके अंदर जो होना चाहिए टैलेंट, वो टैलेंट होनी चाहिए सिर्फ कंटेंट के लिए, ना कि किसी और चीज़ के लिए। बस कंटेंट इज किंग मान के आप चलिए, आप सक्सेस होंगे ही होंगे। बस आपको करना क्या है, ये नहीं देखना है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें व्यूज कितने आ रहे हैं, सब्सक्राइबर कितने बढ़ रहे हैं, ये आपको तो देखना ही नहीं है, क्योंकि आप अभी नौसिखिए हैं, आप अभी नया हैं, आप अभी एस्पिरेंट हैं, आपको कोई नहीं जानता है दुनिया में, यूट्यूब खुद नहीं आपको जानता है। और जब तक कि आप उस पर बढ़िया से काम नहीं करेंगे, आज एक वीडियो डाले, इस तरह से कंसंट्रेट होके कंटिन्यू आप वीडियो डालेंगे, एक महीने में यूट्यूब का नज़र जरूर आपके ऊपर जाएगा कि ये भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, कि कहीं ना कहीं इसे भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो आपको अप्रिशिएट करेंगे, वो आपके कहीं ना कहीं वीडियो को लोगों के पास भेजेंगे, उसका नोटिफिकेशन भेजेंगे, तब जाके आप सक्सेस होंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, तो कंटेंट इज किंग। कंटेंट इज किंग, ना कि अदर किसी प्रकार का ऐसी चीज उतना मायने नहीं रखता है, जितना तो मैं एक ही बार बोल रहा हूँ, 100 बात का एक बात, कंटेंट इज किंग। कंटेंट इज किंग। सो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि अब यूट्यूब पे किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ना तो एप्पल का आईफोन चाहिए, ना तो फिर आपको रॉड का माइक चाहिए। माइक तो एक बोया का माइक से भी काम हो जाता है और एक नॉर्मल चेयर से भी काम हो जाता है। लोग सीढ़ी पे भी अपना जिंदगी लिख देते हैं, लोग पहाड़ों के बगल में भी अपनी लाइफ बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम पे और आप पे डिपेंड करता है कि मुझे करना क्या है। अगर आपको ये जानकारी मिल गया हो, अगर आपको ये सीक्रेट मिल गया हो कि कंटेंट इज किंग, तो आप कल से कभी नहीं बैठेंगे और आपके पास जो है उसी से शुरुआत करेंगे, और वही शुरुआत आपके जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी होगा। फ्रेंड्स, तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड्स।